Hi guys, welcome to MB's Man Cave and welcome to another episode of our Rum Diaries. और आज की Rum Diaries में हम chapter लिखेंगे Bacardi Lemon Rum का. I think one of the most requested rum on this channel. Honestly, मैंने आज तक Bacardi Lemon के बारे में ज़्यादा कुछ सुना नहीं है, कभी taste नहीं करी है मैंने इसे. और इस channel की शुरुआत से पहले मैं ज़्यादा जानता भी नहीं था. I know कि flavors आते हैं, but I did not know कि Bacardi Lemon जो रम है वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर है मासेस में. एंड आई अंडरस्टैंड मे बी शायद क्यों होगा, बिकॉज नॉर्मल Bacardi जो वाइट रम है उसका जो टेस्ट है नेल पॉलिश रिमूवर से कम नहीं है. ऑब्वियसली आप रम को मिक्स करके पीते हैं, आप उसको नीट कोई नहीं पिएगा, बट स्टिल अगर उसका टेस्ट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इतना हार्श हो, तो आपकी कॉकटेल में भी टेस्ट थोड़ा वो हार्शनेस आएगी. सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसका जो टेस्ट है वो रेगुलर Bacardi वाइट रम से थोड़ा बेटर होगा. एंड लेमन इज़ अ फ्लेवर जो हम लोगों को काफ़ी पसंद है, चाहे गर्मियों में नींबू पानी की बात हो या फिर मोहितो, लेमन फ्लेवर वर्क्स एवरीवेयर. सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसका जो टेस्ट होगा वो डेफिनेटली वाइट रम से ज़्यादा बेटर होगा. इट शुड टेस्ट बेटर व्हेन यू ड्रिंकिंग इन कॉकटेल्स. आई विल टेस्ट इट नीट, बट देन उसके बाद मैं इसमें कोक मिक्स करूंगा एंड देन आई विल ट्राई इट विद कोक एज वेल, और फिर आप लोगों को अपनी पूरी जजमेंट दूंगा. और अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि Bacardi की हिस्ट्री क्या है, आप जानना चाहते हैं, देन डू वॉच माय रिव्यू ऑफ द ओरिजिनल Bacardi वाइट रम, जिसमें मैंने आप लोगों को Bacardi रम की पूरी हिस्ट्री के बारे में बताया था. लास्ट ईयर लास्ट सीजन में हमने रिव्यू किया था उसका, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. आई डेफिनेटली थिंक कि आप लोगों को देखना चाहिए. पहले ये वाला वीडियो देख लो, उसके बाद जाके Bacardi वाइट रम का रिव्यू भी देख लेना, और पूरी हिस्ट्री जो है Bacardi की वो सब आप लोग जान जाएंगे. सो टेस्टिंग से पहले दो तीन चीज़ें और हैं, मैं क्लियर कर देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ लेमन फ्लेवर, यानी कि लेमन, लेमन जो होता है स्पेनिश में लेमन कहते हैं उसे. एंड दिस इज़ नॉट जस्ट लेमन, बट इसमें ग्रेप फ्रूट के फ्लेवर का भी यूज़ करा गया है. इट्स ऑल्सो फ्रॉम द सेम फैमिली, सो यू शुड गेट सम गुड रिच सिट्रस फ्लेवर्स. सेकेंडली, येस देर आर एडेड फ्लेवर्स टू दिस. रम आपको पता है मोलासेस से बनती है, बट फ्लेवर्स ऐड करने के लिए उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ऐड करते हैं. इट्स नॉट अ नेचुरल लेमन जो इसमें डाला गया है, इट्स आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग, जो वॉडका और रम दोनों में सेम होता है. एंड द थर्ड थिंग इज दैट येस Bacardi लेमन इज एन इंटरनेशनल ब्रांड, बट दिस इज एन इंडियन रम, इसे इंडिया में ही बनाया गया है, इंडिया में ही बॉटल करा गया है. सो हो सकता है कि जो रेसिपी है वो Bacardi की हो, ओरिजिनल Bacardi की हो, बट दिस इज़ अ प्रॉपर इंडियन रम. तो चलिए अब विदाउट एनी फर्दर डू इसे टेस्ट करते हैं. और यह प्राइसिंग में भूल ही गया बताना, प्राइस है इसका ₹720, विच इज़ सरप्राइजिंगली द सेम प्राइस फॉर नॉर्मल Bacardi वाइट रम. तो आई थिंक दैट्स द रीज़न कि क्यों इतनी पॉपुलर है, क्योंकि अगर प्राइस सेम है देन ऑब्वियसली वन विल बाय दिस. तो चलिए पोर करते हैं अपने ग्लास में थोड़ा. आई विल पोर मे बी अ बिट मोर, ताकि जब इसमें कोक मिक्स करें तो अच्छा टेस्ट आना चाहिए. थोड़ी नोजिंग कर लेता हूँ, बिकॉज जो सिट्रस का अरोमा है मुझे यहाँ तक आ रहा है. वेरी स्ट्रॉन्ग सिट्रस अरोमा, ऑब्वियसली जो एक्सपेक्टेड भी था. बट देर इज़ वन गुड थिंग कि जो एक नॉर्मल वाइट रंग का अरोमा है, जो हार्शनेस होती है, वो नेल पॉलिश रिमूवर वाला अरोमा, वो मुझे बिल्कुल फील नहीं हो रहा है. लेट मी टेक अ बिग स्निफ. डेफिनेटली देर इज़ नो हार्शनेस. जो सिट्रस का अरोमा है वो पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा है इस रंग को. लेट मी टेस्ट इट एंड सी कि टेस्ट में क्या वो हार्शनेस, क्या वो ऑफ फ्लेवर्स मुझे फील होते हैं. वेरी स्ट्रॉन्ग विद द सिट्रस टेस्ट. नॉर्मली जो एक वॉडका होती है, फ्लेवर्ड वॉडका, ऑब्वियसली यू फील द फ्लेवर्स, बट जो फ्लेवर्स हैं वो काफ़ी सबड्यूड होते हैं. यू कैन स्टिल फील द वॉडका, बट इन दिस आई एम गेटिंग दैट सिट्रस पंच स्ट्रेट अवे. काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिट्रस का टेस्ट है. इटली में एक लिकर होता है लेमन चिलो, उसका जो टेस्ट वो भी लेमन से बनती है.
ऑब्वियसली उसका टेस्ट थोड़ा ज़्यादा रिच होता है, बट आई एम गेटिंग दैट सेम वाइब, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिट्रस टेस्ट है इस रम में. लेट्स मिक्स इट विथ कोक एंड जानते हैं कि हम जब इसको मिक्स करते हैं तो कितना अच्छा टेस्ट करता है. जो सिट्रस का अरोमा है, जो टेस्ट है, फ्लेवर्स हैं, वो कोक को कितने अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं. एंड यस, आई विल से कि इसका टेस्ट डेफिनेटली बेटर है एज कम्पेयर टू बकाडी वाइट. एंड लेट मी मिक्स बिट ऑफ कोक. क्वाइट गुड. जो सिट्रसनेस है, जो सिट्रस का फ्लेवर है, काफ़ी अच्छे से मैच कर रहा है कोक के साथ. आपको लगेगा कि जैसे आप एक क्यूबा लिब्रे पी रहे हैं, बकाडी विद कोक एंड लाइम. ऑल दो मैंने लाइम नहीं डाला है, बट आई थिंक ज़रूरत भी नहीं है बिकॉज काफ़ी लाइम का जो फ्लेवर है ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. कोक की जो स्वीटनेस है वो काफ़ी कम लग रही है बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रॉन्ग सिट्रस फ्लेवर. आई डेफिनेटली थिंक दैट इज़ अ मेजर इम्प्रूवमेंट ओवर रेगुलर बकाडी रम. और अगर आप नॉर्मली बकाडी रम पीते हैं देन इट्स नॉट अ बैड आइडिया टू स्विच टू बकाडी लेमन. इनफैक्ट आई फील कि गर्मियों में सिर्फ बकाडी लेमन एंड सोडा एंड आइस विल टेस्ट ग्रेट. शराबियों की शिकंजी बन जाएगी. आई टेस्टेड दिस फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ एंड आई एम सरप्राइज कि बकाडी लेमन रम एक्सीडेड माई एक्सपेक्टेशन. मैं बोलूँगा फार एक्सीडेड माई एक्सपेक्टेशन. मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी बकाडी रम से, ऑनेस्टली, इस वीडियो से पहले, बट आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड. इफ आई टॉक अबाउट द स्कोरिंग, आई फील दैट दिस इज प्रीटी सॉलिड रम फॉर मिक्सिंग. आई विल गिव इट 8 out of 10 फॉर टेस्ट. और अगर मैं बात करूँ वैल्यू फॉर मनी की, आई थिंक 720 rupees में यू आर गेटिंग अ प्रीटी गुड मिक्सर. आई विल गिव इट 10 out of 10 फॉर वैल्यू फॉर मनी. तो उसका MB's मैन केव स्कोर होता है 9 out of 10. तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो बकाडी लेमन रम के ऊपर. कैसा लगा है आप लोगों को मुझे बताइए कमेंट्स में. लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब करिए और जाके अपना ड्रिंक बनाइए और पियो पैच पियो.